पता करें ना, ये जो है ना, ये सखवानी के मशहूर शहीदान हैं। 1930 में अंग्रेज़ों के साथ, ये भाई 250 रुपये ये भाई लोग ले रहे हैं, यानी टोपी ले रहे हैं ना, जान आ रही है इनके लिए। हाँ ये बात है रमजान, ये सारा इसी का ही बाजार है भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो जनाब आज कसीम को जिस तरह के मैं बाज़ार आया हूँ, और आज मैं भाई आपको किसाखानी बाज़ार दिखाऊंगा। किसाखानी बाज़ार की थोड़ी बहुत हिस्ट्री बता दूंगा। तो मैं रास्ते में आ रहा था, मेरे साथ एक बहुत ही यूनिक काम हुआ, लेकिन वो अभी आपको नहीं बताऊँगा। किसाखानी बाज़ार चलते हैं, इंटर होते हैं और उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी देंगे। बाज़ार काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, खाने पीने की चीज़ें और भी आपको जो है ना, जो आपकी घर के रिलेटेड हो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो वही चलते हैं किसाखानी बाज़ार। अभी मैं जिस बाज़ार में हूँ ना, ये खैबर बाज़ार है और इसका भी लोग नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। सही है, यहाँ पे कोई लड़ाई हो गई है, पता नहीं क्या हुआ, कोई हजूम सा बना हुआ है। अच्छा अभी मैं जिस गेट से जाऊँगा ना, ये काबल गेट पेशावर में, ये गेट जो है ना, इनकी काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री है। ये सामने आप देख सकते हैं, ये सामने जो है ना काबल का गेट है, मतलब इसे पहले ये नाम दिया गया था। और ये गेट पहले पेशावर, जब ओल्ड ज़माने की बात करें ना, तो ये बंद हो जाया करता था, जितने भी पेशावर के गेट। इस साइड पे ये जो है ना, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल की तरफ गए और हमने जाने भाई इस साइड पे। ठीक है, एक मज़े की बात बताऊँ, अभी हम आ गए हैं ठीक है किसाखानी बाज़ार, और रश 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 काफ़ी ज़्यादा होती है भाई किसाखानी। ये देखो क्या, अच्छा वो सामने जो है ना, एक जायका चावल वाला है, वो देखिए उसकी काफ़ी ज़्यादा रश है और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। लेकिन अभी मैं इसके लिए नहीं आया हूँ, फ्रूट में आपको शो कराऊँगा किसाखानी बाज़ार के। ये किसाखानी बाज़ार है, इधर भाई आपको जो है ना सब कुछ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा ये देखिए भाई, इसके पास ये मिलेगा आपको, ये फ्रूट चाट देखें कितना अमेजिंग है। ठीक है, कितनी की है प्लेट भाई? प्लेट 100 रुपये, 200 रुपये। 100 रुपये, 200 रुपये की प्लेट है। 200-100 में क्या फ़र्क है? छोटी बड़ी, छोटी बड़ी नहीं मेहरबानी। अच्छा चलते हैं इस साइड पर, ठीक है फूड के भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देते हैं कि इनके पास ये देखे भाई इनके चावल। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितनी की है प्लेट? प्लेट 200 रुपये भाई। 200 रुपये छोटी बड़ी देखे भाई इनके चावल। थोड़ा सो यार, चलो आऊँगा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अभी मैं बाज़ार का भी लोग बना रहा हूँ ना। अच्छा इसके पास भी है चाट है फूड, माशाल्लाह। कितनी की प्लेट ये? लोग आते हैं नहीं महंगाई की वजह से। ये बताओ इसके पास ये की रहे कितनी की है भाई जन प्लेट? 100 रुपये, सब की 100-100 है। महंगाई की वजह से सब ने भाई एक ही रेट रखा हुआ है। ये इस साइड पर जितने एरिया है ना, इधर उधर गेट बोलो, ये सारे थोड़े बहुत फ्रूट पर है। ये देखिए भाई जूली वगैरह भी मिलती है बच्चों के लिए। ये कितने का है? 50 रुपये का भाई। उस भाई की बात सही है, महंगाई में सही हो। अच्छा मेरे के भाई ताले चार्ज वगैरह अगर आपको चाहिए ना, तो किसाखानी बाज़ार में मिल जाती है। और किसाखानी की जो है ना, मैं आपको हिस्ट्री बता दूँ, पता है हिस्ट्री किसाखानी की? ये हिस्ट्री है ना कि जब पुराने आप लोग जो ताजर हुआ करते थे ना, तो वो यहाँ पे आके इकट्ठे बैठ के कावा शावा पी के भाई, तो आपस में एक दूसरे की बातें किया करते, किसे वगैरह, तो इसी से नाम भी किसाखानी दिया गया। शुक्रिया, चलो वैसे हाँ फूड स्ट्रीट है, बहुत ही अमेजिंग है ना। इधर देखिए भाई वॉलेट्स वगैरह मेरे पास है, देखिए छोटा वाला काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, देखते हैं किसमें क्या है। इसमें तो बस एक कार्ड ही आएगा यार। कितने का है? 100 रुपये का। बहुत महंगा नहीं है या मुझे लग रहा है? आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है ना। ना वाला कितने का है? 200। सब के एक ही रेट है, नहीं एक ही रेट है, एक ही रेट है। कौन सा ये देखिए भाई इनके पास है, लेकिन ये महंगे होंगे मुझे लग रहा है। तो सब से पूछते हैं, ये क्या किसाखानी के बारे में कुछ बताओ। क्या बता रहा हूँ यार, हिस्ट्री बता दो। हाँ इधर ये दो गुंबद जो बने हुए, इसके बारे में पता है?
इसके बताए तो बहुत पुराने जमाने के। एक बंदा था वो कह रहा है कि दुकान का रास्ता छोड़ो। अभी मैं क्या कहूँ इनसे यार, अगर ये फॉरेन कंट्री का कोई आए ना, अंग्रेज़ हो, कसम से, कसम खैर में नहीं उठाता, तो ये सब उनके पीछे घूमते रहते हैं। लेकिन अपना पाकिस्तानी हो ना, तो फिर भाई इनका लहजा चेंज हो जाता है, पता नहीं अल्लाह जाने। चलो बड़ा खैर है, ये होता है। अभी जो आना चाहे उसे रहें। अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ पे टोपियाँ वगैरह बेचते हैं, ये देखिए। अगर आपने टोपी लेनी हो ना, इसे ले सकते हैं। लोग ले रहे हैं या नहीं टोपियाँ वगैरह? ले रहे हैं ना, रमजान आ रही है इनके लिए। हाँ ये बात है, रमज़ान आ रहा है यार। शुक्रिया यार बहुत ज़्यादा। अभी देखो इस तरह के अच्छे लोग मिल जाए तो उनको फिर वही बंदा ले भी आता है, वो खुशी होती है। तो इधर एक फ्रूट स्ट्रीट था, पता नहीं वो किधर है, चलते हैं। सही है भाई, आगे की तरफ ये चिट्ठियाँ वगैरह भी मिल रही हैं, सब कुछ भाई, एवरीथिंग इज हियर। ये भाई साइड पे स्टेशनरी का सामान, बैग वगैरह, अगर आपने स्कूल के बैग वगैरह लेना है, ठीक है। तो देखिए भाई बच्चों के खिलौने, खिलौने दिखाते हैं। अरे देखे भाई कितने प्यारे प्यारे। यार मेरी तो अभी बच्ची नहीं है कोई। ये आपके हैं शादी? अरे खैर खैर दादा, हमारा बट सोच है। ये देखे भाई ये बालू सा बना है। शुक्रिया यार। अच्छा चलते हैं, अभी आ गए इधर। वो क्या खुराक वाला गया चल तक, हाँ मस्त के वो आ गए, मुझसे भूलो हुआ था। देखिए भाई रिंग्स वगैरह इसके भी लोग शौक रखते हैं। ये रिंग देखते हैं कौन सी प्यारी रिंग है, चेक करते हैं। ये कितने की है भाई? ये 900 रुपये। 900 रुपये? 900 रुपये बहुत महंगी नहीं है नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी क्वालिटी की है ना? अच्छा सस्ता वाले 100 रुपये, 150 रुपये। अच्छा ये 100-150 रुपये लेते हैं ये भी लोग। चलो चलते हैं आगे, रिंग वाले हैं। अभी चलते हैं उस साइड पे। ये रश पास ग्लासेस देखते हैं कौन सी अच्छी होगी। होगी 50-60-70 रुपये की होगी। ये कितने के ये? अच्छा सुंदर बताओ। अरे मेरी तो सर ग्लासेस हैं, लेकिन चेक करते हैं ना। ये भाई 250 रुपये कुछ गुजारा, वो टाइड है यार, दे सकती मजबूर के शायद यार। ये प्लास्टिक की इस तरह स्टील वाली नहीं होगी, स्टील वाली है। चलो यार इसके पास भी ये नहीं, आगे चलते हैं। सही नहीं? अच्छा ये सामने जो, चलो भाई रोड ट्रैफिक है। अच्छा भाई ये सामने जो ये शहीदा बने हुए हैं ना, इसकी बहुत प्यारी हिस्ट्री है। लेकिन भाई हम इधर नहीं जाए, ये छोटा सा इनका फ्रूट स्ट्रीट है भाई। इधर जो है ना खाने की चीज़ें मिलती हैं आपको। देखिए भाई इधर से स्टार्ट होते हैं भाई, देखिए इनके पास ये पकौड़े, ठीक है। और इस साइड पे आओ भाई, ये सारा इसी का ही बाजार है भाई। रोस्ट चिकन कितने का है? 1050 का। ये लो किस तरह, ये देखिए वाह, चाचा बना रहा, पता नहीं ये कितने टाइम से काम कर रहा है। ये देखिए सभी यही वही इधर ही मुर्गे वगैरह हैं सारे, ठीक है। क्या बना रहा है? ये इसे रोस्ट कर रहा है, इसमें तो कुछ भी नहीं है यार, फिलहाल खाली है, खाली है, खाली है। चाहिए साइड में मछलियाँ भाई, कितने का है? 180। आप लोग कितने टाइम से काम कर रहे हैं? 10 साल से। चलिए कबाब वाला, ये देखिए भाई कबाब का खैर है, आजकल गर्मी है कोई इतना खाता नहीं। ये देखिए भाई वाह जबरदस्त। ये चाचा भैया है, ये भी यूनिक का है भाई, चेक करें भाई। ये किसानी बाजार में है, ठीक है। ये छोटी सी इनकी फ्रूट स्ट्रीट है,
बस चंद ही दुकानें आगे जाके फिर ये ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बाज़ार में ये चीज़ें होने ज़रूरी है भाई। ये इनके बंद और ये आगे चलते हैं, आगे ये ख़त्म हो गया है बस, इधर से ये आगे ख़त्म हो गया और आगे फिर जो है तो वापस चलते हैं। ज़्यादातर चिकन ही है यहाँ पे, मैंने कहा ज़्यादातर चिकन ही बेच रहे हैं यहाँ, गोश्त भी और कबाब भी दोनों। अगर आप लोग विज़िट करें किसखानी बाज़ार तो ये एरिया फूड के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, ये आप लोग देख भी सकते हो। अभी चलते हैं वापस, ये भाई निकल आए हैं वापस। इश दो मज़ार है जो, लेकिन इसके बारे में मुझे इतना कुछ ख़ास पता नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इधर कोई शहीद वगैरह हुए थे, बाहर से चेक करा। पता है कि ये क्यों बना है? आप ड्रिंक ले जी, मैं दे दूँ। दे दो ना, अच्छी ब्लॉगिंग है, व्लॉग चैनल हमजा मुकद्दस है वो, नहीं मेरा अपना चैनल है, आप बताएं मैं बता दूँगा अपनी वीडियो में, अगर आप बताना नहीं चाहते बता। अच्छा बता दो, चलो। ये जो आप मुझसे पता करें ना, ये जो है ना ये किसखानी के मशहूर शहीदान हैं। अच्छा, ये 1930 में अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई में शहीद हुए थे हमारे। अच्छा। मुजाहिदीन। अच्छा, तो ये जो यादगार, ये यादगार जो बना हुआ है ये शहीदों के नाम पर बना। अच्छा, हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे इसलिए हमें ये इसकी हिस्ट्री बताई ना, मुझे भी इतना पता नहीं था, बस वो कह रहे थे कि यहाँ पे शहीद हुए थे। अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो ये यहाँ पे आप यहाँ पे कितना टाइम से हो? 40 साल हो गए, ये 40 साल से इधर बैठे हुए हैं। चलो शुक्रिया। अच्छा अभी आगे चलते हैं, ये वो शहीदान मज़ार। मैं अभी आपको इसकी सही हिस्ट्री बताता हूँ, जितने मैंने पिक किया है ना, वो कह रहे हैं कि जब यहाँ पे बरतानिया के टाइम में यहाँ पे एहतजाज वगैरह, तो उस टाइम ये लोग शहीद हुए थे मुसलमान, तो उसकी याद में बनाए थे। तो उस साइड में चलते हैं, ये तो उधर हमने देख भी लिए हैं, इसके पास वॉचेस भी हैं जी। नहीं नहीं, वैसे देख रहा था ना। दिखाओ, ये देखिए घड़ी, देखते अगर कोई अच्छी सी घड़ी मिल जाए। खैर मेरे पास तो है ये, लेकिन वैसे ही पूछते हैं इससे कि फोर सी प्यार में ये कितनी की भैया? ये वाला 600 की है, ये 600 की है। घड़ी है यहाँ पे, आपको सस्ती मिलेंगी इनके पास अगर आपने आना है। सही है, तो भाई चलते हैं। अच्छा भाई, वो सामने सर्विस वाला रास्ता बंद हो रहा है, इतनी रश है कि आपको मसाले वाले हैं भाई, इनके साथ हमारा हमने मसाले थोड़े ठीक है। इधर के इधर इधर से चलते हैं, ये कौन सा एरिया है? अरे भाई पतीले मतीले मिल रहे हैं, भाई बहुत ही पुरानी गली से आ गए हैं हम लोग भाई, ठीक है। और अभी देखते हैं कि यह कहाँ पे निकलेगी भाई। सारा घर का सामान इधर मिलता है, सही है। और अच्छे मतलब जो बड़ी बड़ी शॉप्स होते हैं ना, वो भी इधर से आके ले जाते हैं। और ये सब पे जो है ना सेंस की बोतलें, ये सब यहाँ पे रहते हैं। अच्छा अभी अल्लाह जाने कि हम लोग कहाँ जाते हैं। खैर ये रास्ता तो मुझे याद है, लेकिन भाई सारी ही घर की चीज़ें हैं, कहीं गलत रास्ते पर नहीं निकल जाए। चलो अल्लाह खैर करेगा, जिधर भी निकलना होगा निकल जाएंगे। चलिए ये अल्लाह खैर, अंधेरा बहुत ज़्यादा है। पेशावर की भी ये पुरानी गलियाँ जो है ना, ये वो है लगता है। ये क्या है भैया? ये सरसों ऑयल है भैया। अच्छा ऑयल है, सेंट्स वगैरह भी मिलते हैं ना यहाँ पे? सेंट्स जो है ये बाहर दुकान है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं जो दुकान बड़ी शॉप के लिए जाना चाहे ना वो। अच्छा अच्छा, तो हम इधर निकल आए, वो सामने सीधा रास्ता था लेकिन वो मैं अंदर गली से आ गया था। तो बस ये कि सखानी बाज़ार तो यहाँ तक ही है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नए बाज़ार में।
और उसका भी विज़िट कराते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बाज़ार का विज़िट भी अच्छा लगा हो, ठीक है। आपको यहाँ पे हर एक चीज़ मिल जाती है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता था कि चलो पाकिस्तानी फॉरेन कंट्रीज़ के साथ तो अच्छा बिहेव करते हैं ना, वो तो अच्छा सोचेंगे ना अगर पाकिस्तानियों के साथ। हाँ कुछ मैसेज दे दो यार, दुनिया वालों को कोई अच्छा मैसेज दे दो। अच्छा अच्छा हाँ, जो आपका मशवरा दे दो कुछ कि दुनिया में ये काम करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। मैंने कहा है कि मशवरा दो, मशवरा मतलब गोरा। मैं तो वीडियो के एंड कर रहा था, वो लोग मिल गए थे, वो मशवरा देना चाह रहे थे लेकिन वो उर्दू नहीं बोल सकते थे ना। तो भाई आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।